हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। लास्ट वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल का हमने कुछ न्यूमेरिकल किया था। ये वीडियो उसी के कंटिन्यूस में एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वाई प्लस वाई क्यू अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स प्लस वन अपॉन इंटू में एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं। तो हमारा m क्या होगा, y प्लस वाई क्यू अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एंड n क्या होगा, x अपॉन फोर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन फोर। अब हमें क्या करना है, m को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस वन अपॉन थ्री तो कॉन्स्टेंट है, वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर, एंड एक्स इसमें तो कोई वाई का कोई वेरिएबल है नहीं, इट मीन्स इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री से थ्री कैंसिल वाई स्क्वायर। अब हम एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वन अपन वाई कॉन्स्टेंट है एंड एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो ये वन अपन फोर हो गया, वन अपन फोर कॉन्स्टेंट था एंड एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर कॉन्स्टेंट है एंड एक्स का डिफरेंशिएशन वन। तो ये हमारा जो देखें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वन प्लस वाई स्क्वायर है एंड ये वन अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर है। इट मीन्स ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम फॉर्म चेक करेंगे किस फॉर्म में हमारा ये होमोजेनियस भी नहीं है एंड एम में से हम वाई कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, तो हमारा एक थर्ड फॉर्म बचता है। तो उस फॉर्म में दो केसेस हैं, हम एक केस ट्राई करते हैं, अगर इसमें नहीं होता तो हम दूसरे वाले केस में। आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिवाइड में क्या करेंगे, ये जो माइनस जिसका रहता है ना उसी को डिवाइड में रखते हैं, n का माइनस है इट मीन्स n को डिवाइड में रहेंगे। एंड हमारा फंक्शन भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए, क्योंकि n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इससे आप याद रख सकते हो। तो m का क्या है, वन प्लस वाई स्क्वायर एंड n वाला है माइनस वन अपॉन फोर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर, एंड n क्या है, x अपॉन फोर प्लस एक्स y स्क्वायर अपॉन फोर। तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन फोर तो ये हो जाएगा फोर, इसको आप ऐसे लिख दो वन माइनस वन अपॉन फोर, एंड प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन फोर, एंड इसमें आप अगर फोर कॉमन ले लो x प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन फोर। तो इसमें अगर आप सिंपल सॉल्व करोगे तो 4 माइनस वन थ्री अपॉन फोर प्लस इसमें से 4 में से 3 वाई स्क्वायर अपॉन फोर डिवाइडेड बाय ये हुआ x प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन फोर। तो 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा नीचे में, एंड ऊपर क्या बचेगा, 3 प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ऊपर में अगर आप थ्री कॉमन ले लो तो आपका क्या बचेगा, वन प्लस वाई स्क्वायर, एंड नीचे में अगर आप एक्स कॉमन ले लो तो यहां पर क्या बचेगा, वन प्लस वाई स्क्वायर। तो वन प्लस वाई स्क्वायर एंड वन प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया, थ्री अपॉन एक्स, ठीक है। ये जो हमने फाइंड आउट किया था इसका वैल्यू है थ्री अपॉन एक्स। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पे पावर ये जो हमारा फंक्शन आया एफ एक्स का, इसका इंटीग्रेशन, इट मीन्स थ्री अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। तो e पे पावर थ्री तो कांस्टेंट है, थ्री तो बाहर आ जाएगा, एंड वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो ये जो थ्री बार में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e पे पावर log एक्स क्यूब, क्योंकि ये थ्री है इसमें पावर में चला जाएगा। एंड अभी ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था
कि ये log जो होता है ये e to base e होता है, एंड जब ऐसा कंडीशन होता है तो आप स्वैपिंग कर सकते हो e एंड x q में, तो ये क्या हो जाएगा e पे पावर 3 इंटू log e टू बेस e, एंड log e टू बेस e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका आ गया x q. तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया x q. अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा x क्यू इंटू वाई प्लस वाई क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0. आप मल्टीप्लाई करो एक्स क्यू वाई प्लस एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन 3 प्लस यहां पर एक्स पावर 5 हो जाएगा अपॉन 2 डीएक्स प्लस अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4 डीवाई इक्वल टू 0. ये आपका आया नया एम डैश एंड ये आया आपको एन डैश. अब हमें क्या चेक करना होगा कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बना या नहीं बना अभी भी. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे वाई के रेस्पेक्ट में, इस वाले टर्म में देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई क्यू क्योंकि एक्स क्यू क्योंकि वाई का तो एक ही पावर है, एंड इसमें एक्स क्यू अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, एंड वाई क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर, एंड इस वाले टर्म में कोई भी वाई वेरिएबल नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3 से 3 कैंसिल एक्स क्यू वाई स्क्वायर. उसी तरह अगर हम एनडेस का एक्स के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 तो कॉन्स्टेंट आएगा, एंड एक्स पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट रहेगा एंड वाई स्क्वायर भी रहेगा, एंड एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 एक्स क्यू. तो ये 4 से 4 कैंसिल तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस ये भी 4 से 4 कैंसिल तो एक्स क्यू वाई स्क्वायर. ये आपका आया एम डैश विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो आप देखो एम डैश विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर, एंड इसका भी वही है एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर. इट मीन्स हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना ये हमारा एग्जैक्ट है. अब हमें क्या करना है सिंपल इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ था इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड हमने देखा था कि ये एग्जैक्ट है. तो हमें क्या करना है सिंपल इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एंड सॉल्यूशन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम 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 डैश. तो ये हमारा एम डैश है तो एक्स क्यू वाई प्लस एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 2 डीएक्स के रेस्पेक्ट में, एंड वाई को यहां पर कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, एंड इस वाले टर्म में एन डैश में ये हमारा एम डैश है एंड ये हमारा एन डैश है. तो एन डैश में हम वो वाले टर्म लेते हैं जिसमें एक्स वेरिएबल ना हो. इस वाले टर्म में भी एक्स है एंड इस वाले टर्म में भी एक्स है, इट मीन्स एन डैश में हमारा कोई टर्म नहीं आएगा, ये तो 0 ही रहेगा इक्वल टू सी. अब हमें सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल आप इंटीग्रेट कर दो एक्स क्यू वाई डी एक्स, एक एक टर्म को आपको सिंपल इंटीग्रेशन करते जाना है एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन 3 डी एक्स प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 2 डी एक्स इक्वल टू सी. एंड आपको जब इसको देखो आपको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल है वाई को हम ऐसे भी कॉन्स्टेंट, वाई हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एंड एक्स क्यू वाई आपका कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस यहां पर भी वाई क्यू अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एंड एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 ठीक है, एंड प्लस यहां पर एक्स पावर 5 है तो एक्स पावर 6 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन 2 तो कॉन्स्टेंट है ये बाहर निकल गया एक्स पे, एंड एक्स पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स पावर 6 अपॉन 6 इक्वल टू 6 सॉरी सी. तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 वाई अपॉन 4 प्लस एक्स पावर 4 वाई क्यू अपॉन ये मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स पावर 6 इंटू डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू सी. तो ये आ गया आपका आंसर.
तो हमने इस वीडियो में देखा कि जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में हमें सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट के बाद हम चेक करेंगे कि वो हमारे किस फॉर्म में है, एंड उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें जो भी प्रोसेस है उसको करते जाना है, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।